देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें जिस न्यूज, और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। विभु गज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते। माँ वो एक शब्द जिसके इर्द गिर्द पूरी सृष्टि घूमती है। माँ दुर्गा को शक्ति की देवी माना जाता है। भारत देश का कोना कोना धार्मिक स्थलों से भरा हुआ है, लेकिन हर मंदिर की अपनी विशेषताएं और मान्यताएं हैं। देवी माँ के दर्शन करने के लिए किसी विशेष दिन की जरूरत नहीं होती, बस चाहिए तो श्रद्धा। लेकिन नवरात्र को खास माना गया है, बात चाहे बासंतिक नवरात्र की हो या फिर शारदीय। इन दिनों में माँ के दर्शन और पूजन करने से विशेष फल मिलता है। अगर भारत के देवी मंदिरों की बात करें तो इसकी लिस्ट काफी लंबी है। हम यहाँ पर उन मंदिरों के बारे में आपको जानकारी देंगे जहाँ टूरिस्ट और भक्त भारी संख्या में पहुँचते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में मौजूद वैष्णो देवी मंदिर में जहाँ पूरे साल भक्तों का तांता लगा रहता है। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर की पहाड़ी पर स्थित है। वैष्णो देवी हिंदू मान्यता अनुसार शक्ति को समर्पित पवित्रतम हिंदू मंदिरों में से एक माना जाता है। जम्मू में स्थित माँ वैष्णो देवी के मंदिर में साल भर माँ के भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन नवरात्र में भक्तों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। यहाँ माता की गुफा के दर्शन करने पर उनके तीन स्वरूप दिखाई देते हैं। ये तीनों स्वरूप पिंडी के रूप में हैं और सम्मिलित रूप से वैष्णवी के नाम से जाने जाते हैं। माँ वैष्णो के दर्शन करने के बाद चलते हैं हिमाचल के इन दो मंदिरों में, जहाँ पर माँ के दर्शन कर भक्त पुण्य कमाते हैं। ज्वाला जी मंदिर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। इस मंदिर में माँ दुर्गा के नौ रूपों की ज्योति सदैव जलती रहती है। इन नौ ज्योतियों के नाम हैं महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी। यहाँ माँ के नौ रूपों के दर्शन ज्योति के रूप में होते हैं, इसलिए इसे ज्योतावाली का मंदिर भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कालीधर पहाड़ी के बीच बसा है ये मंदिर। माँ ज्वाला देवी तीर्थ स्थल को देवी के 51 शक्तिपीठों में से भी एक शक्तिपीठ माना जाता है। शक्तिपीठ वो स्थान कहे जाते हैं जहाँ जहाँ भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से कटकर माता सती के अंग गिरे थे। शास्त्रों की माने तो ज्वाला देवी में सती की जीवा गिरी थी। ज्वाला जी के दर्शन करने के बाद अब हम आपको ले चलते हैं हिमाचल के ही दूसरे मंदिर, जिसका नाम है नैना देवी मंदिर। नैना देवी मंदिर विलासपुर हिमाचल प्रदेश। नैनी झील के किनारे बसा है देवी माँ का ये मंदिर। यहाँ सती के शक्ति रूप की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इसी झील में देवी के सती के नेत्र गिरे थे। इसके चलते ही यहाँ पर नैना देवी मंदिर का निर्माण हुआ। ये शक्तिपीठ है। इस मंदिर के दो नेत्र हैं जो माँ नैना देवी को दर्शाते हैं। यहाँ साल भर भक्तों का आना जाना लगा रहता है, खासकर नवरात्र के दिनों में यहाँ पर देवी के दर्शन के लिए लंबी लाइनें लगती हैं। कहते हैं आज तक कोई भी भक्त माँ नैना देवी के दर से खाली हाथ नहीं लौटा। यहाँ दुर्गा माँ, काली माँ और भगवान गणेश की मूर्तियाँ विराजमान हैं। मंदिर के पास में एक गुफा है जिसे नैना देवी गुफा के नाम से जाना जाता है। हिमाचल के बाद आइए, आपको अब दर्शन कराते हैं देवभूमि उत्तराखंड के मनसा देवी मंदिर की। मनसा देवी हरिद्वार उत्तराखंड। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, इसलिए इस मंदिर का नाम मनसा देवी पड़ा। इस मंदिर में एक बहुत ही पुराना पेड़ मौजूद है। कहा जाता है कि पेड़ की शाखा पर धागा बांधने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। बताया तो ये भी जाता है कि ये प्रथा बहुत पहले से चली आ रही है। जब मन्नत पूरी हो जाती है तो भक्त यहाँ पर वापस आकर धागे को खोलते हैं। हिमाचल उत्तराखंड की तरह यूपी में भी कई ऐसे मंदिर हैं जिनमें माँ दुर्गा के कई रूपों की पूजा की जाती है। यूपी के बलरामपुर में पाटन देवी का मंदिर काफी फेमस है, तो आइए आपको लेके चलते हैं यूपी के पाटन देवी मंदिर में। पाटन देवी बलरामपुर उत्तर प्रदेश। पातालेश्वरी देवी को ही पाटन देवी के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं की माने तो ये वही जगह है जहाँ पर माँ सीता धरती माँ की गोद में समाकर पाताल लोक चली गई थी, इसलिए इस जगह को पातालेश्वरी देवी भी कहा जाता है। इस मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं है, एक चांदी का चबूतरा है जिसके नीचे सुरंग ढकी हुई है।
51 शक्तिपीठों में से एक देवीपाटन मंदिर अपने गौरवमय इतिहास को समेटे हुए है। शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर परिसर में एक सूर्य कुंड बना हुआ है। यहाँ पर मौजूद सूर्य कुंड का इतिहास सैकड़ों साल पुराना बताया जाता है। सूर्य पुत्र राजा कर्ण की तपोस्थली और धनुर्विद्या सीखने की ये जगह श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। माना जाता है कि सूर्य कुंड में स्नान करने से सभी चर्म रोग दूर हो जाते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि गुरु गोरखनाथ को सिद्धि भी यहीं मिली थी। कण कण में देवत्व का वास होने के कारण इस मंदिर में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। यूपी के वाराणसी में मौजूद दुर्गा मंदिर कई महीनों में बेहद खास माना जाता है। तो ये हैं दुर्गा माँ के 5 बड़े मंदिर। आगे की कड़ी में हम आपको माँ दुर्गा के बाकी फेमस मंदिरों के बारे में बताएंगे। HS न्यूज के लिए प्रीति चौहान की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें HS न्यूज, और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।